बच्चों, आज हम प्रोज फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। अब ये जो प्रोज है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये जो ये एक एक्सट्रैक्ट है जो कि एनी फ्रैंक की डायरी से लिया गया है। एनी फ्रैंक एक स्वीट छोटी सी ज्यूइश लड़की होती है जो एम्स्टरडेम में रहती है अपनी फैमिली के साथ। उसको एक डायरी दी जाती है उसके 13वें जन्मदिन पे, 13th बर्थडे पे, जिसको कि एक बहुत ही इस्तेमाल करने वाला गिफ्ट वो मानती है। और उसमें अपने इम्पोर्टेंट इवेंट्स लिखती है अपनी ज़िंदगी के, 12 जून 1942 से लेके 1 अगस्त 1944 तक। क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं होता है इसलिए वो डायरी को अपना दोस्त बनाती है और सारी फीलिंग्स जो हैं वो उसी डायरी से शेयर करती है। नाउ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, वॉज एनी राइट व्हेन यू शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल? एनी हैड बीन प्रूव्ड वेरी रॉन्ग बिकॉज हर डायरी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड बुक्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इन टू मैनी अदर लैंग्वेजेस। इन अदर वर्ड्स, द वर्ल्ड वॉज वंडरस्ट्रक ओवर हर म्यूजिंग्स। इन विच लैंग्वेज वॉज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ओरिजिनली रिटन? किस भाषा में एनी फ्रैंक की जो डायरी थी वो लिखी गई थी? द डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन द डच लैंग्वेज, सब्सिक्वेंटली इट वॉज ट्रांसलेटेड इन टू मैनी अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले ये जो डायरी थी ये डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, जिसको बाद में ट्रांसलेट कर दिया गया बहुत सारी दुनिया की भाषाओं में। वाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली? डज शी ट्रीट डायरी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर? अब एनी जो है वो अपनी फैमिली की बातें, जो फैमिली की चीज़ें थी, उनके जो स्केचेस थे, वो उसके अंदर उनको क्यों दर्शाती थी उन चीज़ों में? क्या वो डायरी को एक इनसाइडर मानती थी? क्या वो अंदरूनी बातें भी उसमें बताती थी या सिर्फ बाहर की बातें ही उसमें लिखती थी, एक आउटसाइडर मानती थी? एनी थिंक्स दैट नोबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हर म्यूजिंग्स इफ शी गोज स्ट्रेट टू द टॉपिक। दैट इज द रीजन वाई शी थिंक्स इट नेसेसरी टू गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ अ फैमिली। शी डज नॉट ट्रीट किटी एज एन आउटसाइडर बट एन इंटीमेट इनसाइडर विद हुम शी कैन शेयर हर इनमोस्ट फीलिंग्स एंड विसिट्यूड्स। और एनी गिव्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ अ लाइफ बिकॉज नो वन शैल अंडरस्टैंड द स्टोरी दैट शी राइट्स ऑन द डायरी किटी। मोर ओवर, अ गुड इंट्रोडक्शन हेल्प्स इन ड्राइंग द रीडर्स अटेंशन टू द टॉपिक। इट गिव्स बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट राइटिंग। बाय प्रोवाइडिंग अ ब्रीफ स्केच ऑफ अ लाइफ एनी गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली, हर रिलेटिव्स एंड हर एज। दिस हेल्प्स द रीडर टू डेवलप अ कनेक्शन विद द ऑथर। शी ट्रीट्स किटी एज एन इनसाइडर बिकॉज शी डज नॉट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स द वे मोस्ट पीपल वुड डू। बट शी वॉन्ट्स द डायरी टू बी हर फ्रेंड एंड इज रेडी टू कन्फाइड इन इट। एनी को ऐसा लगता था कि उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी जो राइटिंग्स हैं, वो कोई भी समझ नहीं पाएगा। जो भी वो भावनाएं प्रकट कर रही है उसको कोई भी समझ नहीं पाएगा, इसलिए वो अगर स्ट्रेट टू द टॉपिक जाएगी, किसी भी चीज़ पे डायरेक्ट पॉइंट पे जाएगी, तो हो सकता है किसी को वो चीज़ समझ में ना आए। यही रीज़न था कि वो सबके ब्रीफ स्केचेस जो है अपनी फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे उन सबके ब्रीफ स्केचेस जो है वो उसमें डाल देती थी, ताकि कोई भी उसको पढ़ना चाहेगा तो उसको उसमें इंटरेस्ट आए, वो भी जान पाए कि पहले से क्या चल रहा है और अभी क्या चल रहा है, अभी क्या सिचुएशन है, पहले क्या सिचुएशन थी, अभी क्या बिहेवियर है, पहले कैसा बिहेवियर है किसी भी इंसान का, किसी भी फैमिली मेंबर का या फिर किटी का। और वो किटी को अपना एक इनर बहुत ही इंसाइडर मानती थी, वो अपना एक दोस्त मानती थी जिसके साथ वो सारी की सारी अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर करती थी। हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिसिस क्यूप्रस एंड मिस्टर कीसिंग? वट डू दीज टेल यू अबाउट हर? एनी जो है वो अपने पिता के बारे में, अपनी दादी के बारे में, मिसिस क्यूप्रस के बारे में, मिस्टर कीसिंग के बारे में क्या सोचती थी, क्या महसूस करती थी? और ये जो इनके मुताबिक एनी का बिहेवियर कैसा था, ये कैसा बताते हैं कि एनी कैसी थी? एनी लव्स ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट मिस्टर कीसिंग। शी कॉल्स हर फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर शी हैज एवर सीन।
She often remembers her grandmother and misses her too much. She owns also an intimate relationship with Mrs. Cuprus, as they are both in tears when they part each other. So far, Mr. Keesing is concerned, he always remains annoyed with her because she talks too much. She calls him an old fogey. Annie's analysis of these characters shows that even at young age, she happens to be a good judge of human character. She feels that her father is the most adorable father she has ever seen. Her statement, no one would understand her intensity of love for her grandma, tells that she loved her grandma gravely. Moreover, the touching gesture of lighting up one candle for a grandmother on her birthday is also a poignant reminder of the love for grandma. She often misses her grandmother after death. Mrs. Cuprus, the headmistress, is also dear to Annie. Both Annie and Mrs. Cuprus were in tears when they departed from each other at the end of the year with a heartbreaking farewell. Mr. Keesing is her maths teacher, whom she calls an old fogey person. Annie was fond of talking too much. It can be assumed that, like all strict teachers, Mr. Keesing thought talkativeness as a distraction for study and was annoyed with Annie. He punished her to write an essay on Chatterbox, the person who talks much. Annie jo hai wo sab characters ko bahut zyada pasand karti thi, unko pyar karti thi, Mr. Keesing ko chhod ke. वो अपने पिता को दुनिया का सबसे एडोरेबल फादर मानती थी. जितने भी फादर्स उसने देखे हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले, केयर करने वाले फादर मानती थी. वो अपनी दादी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करती थी, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और बहुत ज़्यादा याद करती थी. उसका एक बहुत अच्छा रिलेशन था मिसिस क्यूप्रेस के साथ, जो उसकी हेडमिस्ट्रेस होते हैं. तो जब उनकी फेयरवेल हुई थी, तब वो दोनों ही, उनकी दोनों की आंखों में आंसू थे जब वो एक दूसरे से अलग हो रहे थे. जहाँ तक मिस्टर कीसिंग की बात है, मिस्टर कीसिंग जो है वो थोड़ा सा अनॉयड रहते थे, थोड़ा सा परेशान रहते थे एनी के साथ, क्योंकि वो टॉकेटिव थी, वो थोड़ी सी बातें ज़्यादा करती थी. वो उनको एक ओल्ड फौजी कहती है. एनी का ये जो एनालिसिस है इन सब कैरेक्टर्स का, इतनी यंग एज में ये उसको ये बताती है कि वो बहुत अच्छी जज है ह्यूमन कैरेक्टर की. व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे? एनी अपने फर्स्ट एसे में क्या लिखती है? इन हर फर्स्ट एसे एनी राइट्स दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट. एनी अपने फर्स्ट एसे में लिखती है कि जो बातें करना स्टूडेंट का एक ट्रेट है, एक उसका पहला अधिकार है, एक उसकी पहली निशानी है. शी ऑल्सो राइट्स दैट शी विल ट्राई टू कीप इट अंडर कंट्रोल, बट शी कांट डू सो बिकॉज हर मदर ऑल्सो टॉक्ड एज मच एज शी डज. वो ये लिखती है कि वो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसकी माँ भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा बातें करती है. इसलिए उसको जो जीन्स मिले हैं वो अपनी माँ से ही मिले हैं, वो अपने आप को बातें करने से नहीं रोक पाती. शी मीन्स टू से दैट टॉकिंग इज़ हर इनहेरिटेड ट्रेट एंड इट इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. वो ये बोलती है ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है जो उसको इसकी माँ से मिला हुआ है, और हम इनहेरिटेड ट्रेट्स को, जो हमें माँ से मिली हुई चीज़ है, उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते, उन निशानियों को आसानी से नहीं छोड़ सकते. इन अ फर्स्ट एसे टाइटल्ड चैटर बॉक्स एनी वॉन्ट्स टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू जस्टिफाई द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग्स. उसका पहला जो एसे था चैटर बॉक्स, जिसका नाम था अ चैटर बॉक्स, एनी ने कुछ कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स दिए जिससे कि उसने कन्विंस किया कि बातें करना क्यों ज़रूरी है, उसको जस्टिफाई किया. शी राइट्स दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट ट्रेट एंड वुड नेवर बी एबल टू क्योर हरसेल्फ ऑफ द हैबिट
since her mother talks as much as she does. वो बोलती है कि ये स्टूडेंट की एक निशानी है, एक हक है बातें करना, और वो इसको कभी भी क्योर नहीं कर सकती, इस हैबिट को, इस आदत को वो क्योर नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी माँ भी जो है उतनी ही बातें करती है जितनी वो करती है. वो ये आर्ग्यू करती है, शी आर्ग्यूज दैट इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ पर्सन टू लीव इनहेरिटेड ट्रेड्स. वो बोलती है ये किसी भी इंसान के लिए इतना आसान नहीं है जो उसको इनहेरिट की हुई चीज़ें हैं अपनी पेरेंट्स से, उनको आसानी से छोड़ना. And he says teachers are more unpredictable. Is Mr. Kissing unpredictable? How? And ये कहती है कि जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं, उनके बारे में आशंका नहीं लगाई जा सकती. क्या मिस्टर किसिंग भी इन अनप्रिडिक्टेबल हैं? कैसे? And he says teachers are the most unpredictable creatures on the earth. एनी कहती है कि टीचर्स जो शिक्षक हैं वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं हमारी धरती पे. मिस्टर किसिंग प्रूव्स टू बी वेरी अनप्रिडिक्टेबल. मिस्टर किसिंग जो उसके मैथ के टीचर थे वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल थे. शी सीम्स टू बी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन एट फर्स्ट. वो बहुत ही ज़्यादा सख्त डिसिप्लिन में रहने वाले लग रहे थे पहले, बट वेन एनी कम्स आउट विद द अनबीटेबल आर्गूमेंट्स इन द एसेज असाइंड टू हर बाय him as the punishment for talking in the class. लेकिन जब एनी को एक पनिशमेंट के तौर पे उसको ऐसे लिखने को दिए गए, तो उसने बहुत ही अच्छे अनबीटेबल आर्गूमेंट्स लिखे उनके उनके लिए, जो कि उसको मजबूर कर गए कहने के लिए कि वो एक अच्छा एटीट्यूड उसकी तरफ दिखा दिया. मिस्टर किसिंग चेंजेस हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स हर. मिस्टर किसिंग ने इन अनबीटेबल आर्गूमेंट्स को देख के अपना एटीट्यूड जो है, वो उसकी तरफ, अपना रवैया जो है उसकी तरफ चेंज कर दिया. ही नाउ अलाउज हर टू टॉक इन द क्लास. अब वो उसको बातें करने के लिए इजाज़त दे देता है. मिस्टर किसिंग द मैथ्स टीचर असाइन एनी टू राइट सम एसेज एज अ पनिशमेंट फॉर हर बींग टॉकेटिव थ्रू आउट लेसन्स. मिस्टर किसिंग जो उसके मैथ के टीचर थे वो उसको एक पनिशमेंट देते हैं कुछ एसेज लिखने के लिए, क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती है. जब भी कोई पाठ पढ़ाया जाता है, जब भी कोई लेसन पढ़ाया जाता है, उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बातें करती है, इसलिए उसको पनिशमेंट के तौर पे कुछ एसेस लिखने को देते हैं. शी इज़ आस्ट टू राइट एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स. उसको चैटर बॉक्स पे एसे लिखने को कहा जाता है. दिस वे ही ट्राइज टू प्ले अ जोक ऑन हर, बट शी वेन शी राइट्स हर लास्ट एसे इन वर्स फॉर्म, मिस्टर किसिंग इज इम्प्रेस्ड बाय हर टैलेंट दैट ही लाइक्स द एसे एंड रीड्स इट टू द होल क्लास. वो उसका जोक बनाना चाहते हैं, जिस वो ये बताना चाहते थे कि आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो, उसको समझाना चाहते थे, लेकिन मिस्टर किसिंग के ऐसे लिखने के ऊपर उसने अपना एक अच्छा टैलेंट ऐसे लिखने का सामने लेके आई. उसको भी, मिस्टर किसिंग को भी उसके ऐसे पसंद आते हैं और वो पूरी क्लास के सामने उसको पढ़ के सुनाते हैं. Finally, he allows her to talk in the class and does not assign any extra homework. वो last में वो उसको class में बातें करने की इजाज़त दे देते हैं और उसको कोई भी extra homework जो है वो assign नहीं करते. This is how Mr. Kissing behaves in an unpredictable way. इसी तरीके से Mr. Kissing जो है वो एक unpredictable तरीके से उसके साथ बिहेव करते हैं. Now, thinking about language. क्या आपने कोई डायरी रखी है? डू यू कीप अ डायरी? गिवन बिलो आपको ए सेक्शन दिया गया है और बी सेक्शन दिया गया है. बिलो अंडर ए आर सम टर्म्स वी यूज टू डिस्क्राइब अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस. ए के नीचे जो आपका ए सेक्शन है उसके नीचे आपको कुछ रिटन रिकॉर्ड्स दिए गए हैं पर्सनल एक्सपीरियंस के, उनकी टर्म्स दी गई हैं. क्या आप मैच कर सकते हैं उनको बी के साथ, जिसके अंदर आप डिक्शनरी में किस तरीके से उनको देख सकते हैं वो उसके मतलब देखेंगे. जर्नल. अब जर्नल क्या होता है? अ फुल रिकॉर्ड ऑफ अ जर्नी, अ पीरियड ऑफ टाइम और एन इवेंट रिटन एवरी डे. जर्नल एक रिकॉर्ड होता है जर्नी का, या एक पीरियड ऑफ टाइम का, या फिर एक इवेंट.